एनजीओ वर्कर हूँ। और जैसा कि आपने मुझे पूछा कि मेरी दिवाली कैसी रही, तो एक्चुअली दिवाली मेरी बहुत अच्छी थी, पॉजिटिव थी। कुछ अच्छी चीज़ें हुई मेरे एनजीओ के तहत, आस्था फाउंडेशन के तहत काफ़ी सारे लोगों के साथ हमने दिवाली मनाई, जिनके घर में वो व्यवस्था नहीं थी कि वो दिवाली मना सके, तो उनके साथ मनाई। बाकी मेरे यहाँ गज़ल पार्टी थी, न्यू थिन, बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, और फैमिली के साथ इंजॉय करके मैंने अपनी दिवाली मनाई। कैसी रही दिवाली इस बार जब आपने मनाई, तो कैसी रही, क्योंकि दिवाली का मौका था अभी जस्ट एक दो दिन हुए, तो कैसी रही, कैसा सेलिब्रेट किया बच्चों, कैसी खुशी मिली? एक्चुअली मैंने कुछ बच्चों को देखा कि वो लास्ट दिवाली पर मैंने देखा था कि वो पटाखे किसी ने फोड़े थे, उसके पीछे जाकर जब पटाखे फूट गए तो उसके पीछे जाकर वो चंद बच्चे में पटाखे जो है वो चुन रहे थे, उसे ले रहे थे, और फिर वो मैंने देखा कि वो पटाखे उन्होंने फिर से जलाए और वैसे उन्होंने अपनी दिवाली मनाई। तो मैंने लास्ट ईयर से सोचा था कि मैं इन्हीं कुछ ऐसे बच्चों के साथ, मेरा आस्था फाउंडेशन एनजीओ है, तो इन्हीं ऐसे कुछ लोगों के साथ, अपने ज़रूरतमंद लोग, प्यारे बच्चों के साथ मैं मनाना चाहूँगी, तो मैंने इस साल यही किया, उनके साथ मनाया। हाँ, ऑब्वियसली मैंने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी दिवाली मनाई, तो कुल मिलाकर मेरी दिवाली बहुत अच्छी थी। कितना अलग फील होता है जब आप इस तरह के बच्चों के साथ में दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है, क्या कुछ अपनी फीलिंग? अगर मैं कहूँ नॉर्मल वे पे आपको कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग हुई, बट आई डोंट थिंक सो कि ये मेरा कहना मेरी एक्चुअल खुशी को एक्सप्रेस कर पाएगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत अलग और बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है कि आप पटाखे लेते हो, आप मिठाई लेते हो, आप अपने घर वालों के साथ दिवाली मनाते हो, ये तो बहुत नॉर्मल है, बट उनके साथ मनाइए जो एक्चुअल में मनाने के कगार पे नहीं है या फिर उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो बहुत 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 अच्छा फील होता है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, एक्टिंग में भी हैं आप, एक्टिंग से फिर डायरेक्टली पॉलिटिक्स, ये कैसी जर्नी, पहले से मेंटलिटी आपकी बनी हुई थी या बाद में बनाया, या कुछ बताएं, शेयर करें हम लोगों से। कुछ तो या किसी ने अप्रोच किया आपको कि आप आइए पॉलिटिक्स में आइए? एक्चुअली ये दोनों मेरे ब्लड में है, मेरे घर में एक्टर भी हैं सारे, जैसे मेरे अंकल हैं परेश रावल, और मेरी आंटीज हैं, और सब थिएटर्स करते हैं, गुजराती मूवीज में हमारे बहुत सारे फैमिली के लोग हैं, तो एक तो एक्टिंग मेरी खून में है और पॉलिटिक्स भी मेरे खून में है, तो शायद वो बाहर आ गई होगी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट ये यस मुझे पहले से फील था, एक्टिंग तो आर्टिस्टिक हूँ बचपन से, बचपन से मैंने, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने काफ़ी सारे शोज किए हुए हैं। मैंने 7-8 साल पहले अपना करियर इवेंट्स में स्टार्ट किया था, तो इट्स लाइक 5-6 हज़ार इवेंट कर चुकी हूँ मैं, एक्टिंग कर चुकी हूँ, बट जिस हिसाब से मुझे अंदर से फील होता जब मैं लोगों को देखती या पॉलिटिकली लोगों को देखती, तो मुझे लगता था कि ये मेरी जगह है, तो यस ये मेरी हॉबी है और ये मेरे अपने दिल से है और ये मेरी मर्जी है। सोशल वर्कर आप पहले से थी, आपने जैसे बताया गोरेगांव में आपने गोद भी लेके रखा हुआ है, तो ये भी तो रीजन नहीं हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में घुस के ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके? हाँ, क्योंकि मेरा आस्था फाउंडेशन मेरा एनजीओ है, तो कभी कभी आपके पास वो पावर नहीं होती, आप चाह के भी किसी की हेल्प नहीं कर पाते हो, आपको ये नहीं फील करने देते लोग कि नहीं आप खुलेआम, आप बेदाग दिल से आप उनकी हेल्प करो, नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं प्रशासन का प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन में बात करनी पड़ती है, कहीं आप बहुत सारे लोगों को बुला के उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि अगर मैं पॉलिटिकल वे से जाऊं तो दैट विल बी फैंटास्टिक, थोड़ा इजी हो जाएगा, सो आई हैव गॉन थ्रू लाइक दैट। सोशल मीडिया पे हमने आपके फोटो भी देखे, शिवराज जी चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, तो क्या वजह थी खास उनसे मिलने की, कोई पद लेने की, या उन्होंने दिया या अप्रोच किया, उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें? शिवराज सिंह चौहान जी को मैं अपना भाई मानती हूँ। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि महाराष्ट्र में तो हम कर ही रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एमपी, क्योंकि एमपी से मेरा खुद पर्सनल अच्छा कनेक्शन है,
तो हम लोगों ने 6,000 बच्चों को इस बार दिवाली पार्टी है, 6,000 बच्चे, कैन यू इमेजिन, मतलब साथ में पढ़ाए। शिवराज जी के। हाँ जी, मैंने और शिवराज जी ने और मनोज जी मिश्रा करके हैं, मतलब इन लोगों ने, हमने 4 महीने पहले इस इवेंट की तैयारी शुरू की, हर घर घर जाके बच्चों के नाम लिखे कि कितने बच्चों को क्या जरूरत है, उस हिसाब से 6,000 बच्चे कुल जमा हुए, नाम जमा हुए। उसके बाद हम लोगों ने उनके पैकेट्स बनाए और पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, शिवराज जी सिंह और मैंने और मनोज जी ने, हम तीनों ने इवेंट डिजाइन किया और फिर हम लोगों ने ये इवेंट किया। तो ये था दिवाली का स्पेशल, जब मेरी दिवाली अच्छी हुई। और जब ये सब कुछ हो ही रहा था तो उन्होंने देखा कि मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, मेरा बॉम्बे में भी मेरा पद है, तो फिर उन्होंने मुझे एमपी में पद दिया, प्रभारी का पद दिया, मुख्य प्रभारी का। बीजेपी जी, बीजेपी। तो आगे चुनाव उनाव लड़ने की भी संभावना है क्या आपकी? अभी कुछ अभी इरादा तो बना के रखा हुआ है आपने? नहीं है, अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, बट ठीक है, आई'ल गो विद द फ्लो। अगर कुछ अच्छा मिलता है या मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है कि मैं और सारे लोगों की हेल्प कर सकूं, या मैं और लोगों के काम आ सकूं, या मैं अपनी विचारधारा आगे रख सकूं, तो डेफिनेटली। तो अगर आपको मौका मिला जी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने का, तो आप दोनों में से किसे चुनेंगी? सी, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और इंदौर का मेरा अपना दिल का रिश्ता है। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर मेरे जो मुझे इंदौर की जीजी बोलते हैं, पर्टिकुलरली उन्होंने मुझे नाम दिया है इंदौर की जीजी, शिवराज तो जी मामा हैं आपकी? जीजी वो मामा है और मैं जीजी हूँ, तो ठीक है। और वो इंदौर जो है, एमपी जो है, वो रिलेशन में मानता है, यू नो, वो बहुत प्यार वाले लोग हैं, वो बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, तो इसलिए वो बट ठीक है, जहाँ से मुझे मिला, ये दोनों मेरी फेवरेट जगह है, तो जहाँ से मुझे मौका मिलेगा आई विल डेफिनेटली ट्राई। मेंटली प्रिपेयर हैं बहुत कि चुनाव लड़ना है? कितनी बहुत सेवा करेंगी अगर फ्यूचर में आप लड़ती हैं, जीतती हैं, लोकसभा या विधानसभा में जाती हैं, तो जी इसी तरह से लोगों की सेवा करती रहेंगी या बदल जाएंगी? हाँ, आपका ये पूछना बहुत स्वाभाविक है, बिकॉज मुझे पता है लोग वहां जाने के क्योंकि आप बाद। इससे पहले अभी अच्छी तरह से सेवा कर रही हैं, पॉलिटिक्स में जाने के बाद ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, फिर आप बिल्कुल इतने सारे एक्टिंग भी करती हैं, सोशल भी, फिर माइंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जी, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। देखिए, सेवा का भाव तो मेरे मन में है, बट कितनी सेवा कर पाऊंगी ये मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर अभी मैं बड़ी बड़ी बातें कर लूं, फिर चुनाव लड़ लूं, फिर मेरे से ना होए, तो जो मेरे दिल में है कि मुझे सेवा डेफिनेटली करनी है और मैं वो सेवा करूंगी, और इसीलिए करूंगी क्योंकि ये मेरा पैशन है। जैसे लोगों की पैशन होता है कार चलाना, शॉपिंग करना, तो ये मेरा पैशन है, मुझे किसी से कुछ वापस नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम देम, और आई एम नॉट लुकिंग कि अरे ठीक है जीत गई तो मैं वहां बैठ जाऊंगी, यहाँ बैठ जाऊंगी, कुछ नहीं, मैं आज भी ठीक से रह रही हूँ, मैं तभी भी रहूंगी ठीक से। इट जस्ट कि लोगों की सेवा करने में, या उनका प्रॉब्लम समझने में, या उनके लिए काम करने में एक बहुत अनोखा सुख है, तो मुझे वो सुख की लालच है, तो मैं डेफिनेटली करूंगी। इतनी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है, जी एक्टिंग, इतना बोझ कैसे उठाती हैं, कहाँ से लाती हैं इतनी एक्चुअली महिलाओं के लिए एक आइडियल भी है आप अगर देखा जाए जी तो। इतना सारा काम करना, मैनेज करना बहुत बड़ी चीज होती है, जी हौसले की बात है ये, तो कहाँ जी से लाती हैं, कौन आपके पीछे खड़ा है, सपोर्ट कौन कर रहा है? देखिए, हौसला तो हमारा सबका, आपका मेरा, इन सबका हौसला तो माँ से ही आता है, तो मुझे ये जो हौसला है वो मेरी माँ से मिला है, सारी पॉजिटिविटी है वो मेरी माँ से मिली है मुझे, और इसको बहुत आगे ले जाऊंगी। और आसपास इतनी पॉजिटिविटी है, इतने अच्छे लोग हैं, कि मेरे अंदर अपने आप पॉजिटिविटी आ जाती है कि चलो और अच्छा काम करते हैं। कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों से और आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहें, अभी जी क्या करने वाली हैं फ्यूचर में जी या अपकमिंग कुछ? जी मेरी मूवी रिलीज हो रही है रोटी कपड़ा एंड रोमांस, जो कि अर्शद और चंकी दोनों के साथ कर रही हूँ एज लीड। 3 मूवी साउथ की आ रही है मेरी, उत्तपम, सुरला और अजंता, 3 मूवीज आ रही हैं साउथ में, और हिंदी के एक दो पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट, तो ये सारे कुछ प्रोजेक्ट हैं मेरे। बाकी कुछ जज वाले शोज हैं, टैलेंट शोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो कर रहे हैं। डे अवार्ड हुआ था उसके बारे में कुछ बताएंगी कि किस तरह का अवार्ड था, किस बेस पे जी मिला आपको शेयर? मिड डे अवार्ड मुझे मिला बेस्ट बॉलीवुड डेब्यू इन तमिल,
इसलिए मुझे मिला. और ये मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ के लोग, बॉलीवुड के लोग, टॉलीवुड में, बॉलीवुड की एक लड़की का टॉलीवुड में इंट्रोडक्शन हो रहा है और वो सक्सेस है. ये मेरे काम को सराहा, मेरी इन बातों को उन्होंने इतना सब कुछ सम्मान दिया. पहले भी मुझे अवार्ड मिले हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड लिया है मैंने, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अवार्ड लिया है, आज तक अवार्ड लिया है, काफी सारे अवार्ड लिए हैं मैंने मेरी परफॉर्मेंस पे, मेरी एक्टिंग पे. बट कुल मिला के बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती. बट ये जो मिड डे अवार्ड मिला मुझे रिसेंटली, एक महीने पहले मिला मुझे, सो इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग थी. वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे, बहुत सारे लोग थे, और उन लोगों ने सबने मुझे सराहा. तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी. और मुझे बहुत 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 मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने मुझे इतना इतना अप्रिशिएट किया अवार्ड देकर. तो मुझे इस बारे में बहुत खुशी है. कोई ऐसा अवार्ड जिसकी तमन्ना है कि इसको जरूर हासिल करना है? वो तो आईफा है और बहुत सारे ग्रामी है, बहुत सारे, बट वहां तक पहुंचने में भी बहुत टाइम है. बट आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट. ओके, थैंक यू.